गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अभी मैं इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन बताऊँगा, उसके बाद एक टर्म डिफाइन करूँगा, डायपोल मोमेंट। और इस पूरे क्लास में हम डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत में डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल होंगे, उसके लिए डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे। और फिर जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में आप डायपोल के बारे में आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स में आप देखते होंगे H2O है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों मिलाकर डायपोल कहलाता है। तो हम लोग डायपोल का डिफिनेशन हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डायपोल। इन केस ऑफ नेचुरली एग्जिस्टिंग डायपोल द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज इज वेरी स्मॉल, जैसे मॉलिक्यूलर साइज, जैसे अभी एग्जांपल मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वेरी स्मॉल होता है। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों को मिलाने वाले लाइंस को हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं। और ये माइनस क्यू चार्ज ये प्लस क्यू चार्ज के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर को हम लोग इक्वेटोरियल लाइंस कहते हैं। और हम लोग अब एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट में हम लोग डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है और इसके मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, इसे डायपोल मोमेंट। द डायपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स मैग्नीट्यूड पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्जेज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। यहाँ पी डायपोल मोमेंट का सिंबल है। अभी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल के बारे में बात कर रहे हैं। इसे मान लिया कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज डी डिस्टेंस पे है रखा है, तो इसे हम एक एरो साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन बता रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिस ओर है उस ओर, और इसे पी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस डायपोल मोमेंट पी की जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्यू चार्ज और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस डी, इसका मतलब डायपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होगा और डायरेक्शन इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो इसको हम लोग सिंपली एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और बगल में पी देते हैं। पी पे जो एरो है वो वेक्टर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एरो, ये बड़ा जो एरो दिख रहा है ये डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में, जिसमें सिस्टम ऑफ चार्ज, अभी हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम लोग डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। तो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल में होता यह है कि अगर सारे चार्ज को अगर हम डायपोल के टर्म में एक्सप्रेस तभी कर सकते हैं जब जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो। इसलिए ऐसे केस में आप हमेशा प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि टोटल चार्ज का सम जीरो होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि कैसे डायपोल मोमेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से डाइपोल मोमेंट फाइंड करने में ये ध्यान रखा जाता है कि आप पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे, लेकिन जिस चार्ज को हम एक बार यूज करेंगे दोबारा यूज ना करेंगे। जैसे जैसे मान लिया कि ये ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इसका साइड लेंथ ए है और ये दो वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज है, ये दो वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज है और एक पे तीसरे पे माइनस टू क्यू चार्ज है, और हमें पूछा जा रहा है कि इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो हम ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज, इसमें हम क्या करते हैं, ये माइनस टू क्यू चार्ज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज और एक और माइनस क्यू चार्ज। इस माइनस क्यू चार्ज का, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज का पेयर इस प्लस क्यू के साथ कर देते हैं और इस माइनस क्यू चार्ज को हम ये प्लस क्यू के साथ कर देते हैं। तो इस तरह से ये दो डायपोल का फॉर्मेशन हो जाता है और हम इसको इस तरह से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों का डायपोल मोमेंट बराबर होगा क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम ही है। तो ये पी, आप इसको, तो इसको आप दो डायपोल बना सकते हैं, एक हमारा राइट साइड में होगा, एक हमारा ये राइट साइड में होगा। दोनों डायपोल का डायपोल मोमेंट की वैल्यू सेम होगी क्योंकि चार्ज सेम है और दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों के बीच का एंगल ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। और ये अब समझ सकते हैं कि जो P की वैल्यू होगी वो सिंगल वन चार्ज प्लस क्यू चार्ज और दोनों का बीच का डिस्टेंस a, तो p इज इक्वल टू q इंटू ए आप लिख सकते हैं। अब हमें नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए अब हमको ये देखना है कि दो वेक्टर्स है जिसका हमको रिजल्टेंट फाइंड कर देना है, क्योंकि डायपोल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायपोल और डायपोल का ऐड जो होगा वेक्टर फॉर्म में होगा, वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। तो चाहे तो आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करके करेंगे प्रॉब्लम्स को, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे चार्जेस होंगे, सारे एक प्लेन्स में होंगे, तो आप चाहे तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके कीजिए या सारे डायपोल को आई और जे के टर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए और फिर उसका रिजल्टेंट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे पी और पी दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो आप समझ रहे हैं कि नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये दोनों के बीच के एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा, नेट डायपोल मोमेंट पी नेट इन दोनों के बीच का एंगल ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। और पी नेट की जो वैल्यू होगी वो पी नेट इज इक्वल टू 2p cos दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री बाय 2 होगा। तो ये हो गया 2p cos 30 का वैल्यू रूट 3 बाय 2, तो आपको रूट 3 पी ये कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सेम मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ ए है, इसके तीन वर्टेक्स पे प्लस थ्री क्यू प्लस टू क्यू और प्लस क्यू चार्ज है और ये फोर्थ वर्टेक्स पे माइनस सिक्स क्यू चार्ज है और इस पूरे सिस्टम का हमको डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
कि माइनस सिक्स क्यू को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइनस थ्री क्यू, माइनस टू क्यू और माइनस क्यू। अब हम ये माइनस थ्री क्यू का पेयर प्लस थ्री क्यू के साथ करते हैं, आते हैं। ये प्लस माइनस थ्री क्यू को का पेयर इस प्लस थ्री क्यू के साथ बनाते हैं, फिर ये माइनस टू क्यू का पेयर ये हम टू क्यू के साथ प्लस टू क्यू के साथ बनाते हैं, और ये माइनस क्यू का पेयर है ये हम प्लस क्यू के साथ बनाते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पेयर माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, तो एक डायपोल हमारा बनेगा जो माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ जाएगा और राइट साइड में होगा। तो ये मैंने एक डायरेक्ट एक डायपोल बना दिया है, ये मैंने सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। इसका डायपोल मोमेंट होगा क्यू इंटू ए। फिर एक दूसरा डायपोल मोमेंट जो माइनस थ्री क्यू है, ये प्लस थ्री क्यू के बीच का डिस्टेंस ए है, तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, और इसका मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है मैंने थ्री क्यू इंटू ए से। एक डायपोल जो माइनस थ्री क्यू है, ये सॉरी माइनस टू क्यू है और ये प्लस टू क्यू है, ये दोनों मिलकर के भी डायपोल बनाता है। तो ये तीसरा डायपोल हमने रिप्रेजेंट किया है, इसका मैग्नीट्यूड टू क्यू होगा और दोनों का बीच का डिस्टेंस रूट टू ए है, तो रूट टू ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा इस सिस्टम जो है, सिस्टम कन्वर्ट हो गया हमारा तीन डायपोल के टर्म में, और तीनों डायपोल का हमने रिप्रेजेंट किया तीनों डायपोल को। अब हम इसको कंपोनेंट मेथड से हम लोग रिजॉल्व करके नए डायपोल मोमेंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो डायपोल है इस ये टू रूट टू क्यू ए, तो टू रूट टू क्यू ए, तो हमने ये जो टू रूट टू क्यू ए है वो टू रूट टू क्यू ए डायपोल को, ये टू रूट टू क्यू ए डायपोल जो है इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है। एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब एक लॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये लॉन्ग वाई एक्सिस है। तो इसकी इस अलॉन्ग एक्स एक्सिस के तरफ जो इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा वो टू रूट टू क्यू ए कॉस 45 होगा। तो ये हो गया यहाँ से टू क्यू ए, और यहाँ पे ये वाई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए यहाँ से साइन 45 कर दिया मैंने, तो टू क्यू ए दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो हमने यहाँ से अब इसको आप यहाँ से काट सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अब हमारे पास जो डायपोल जो बना है वो है एक दो तीन चार, टोटल चार डायपोल अब हमें दिख रहा है। अब हमको इसका नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करना है, तो हम नेट डायपोल मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू, आप फाइंड कर सकते हैं क्यू ए प्लस टू क्यू ए, इसका मतलब हो गया थ्री क्यू ए। और y डायरेक्शन में नेट डायपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट होगा वो होगा 3qa प्लस ये 2qa, तो ये हो गया 5qa। हाँ, तो ये जो x कंपोनेंट हुआ, x कंपोनेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है ये 3qa से, और y कंपोनेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 5qa से। अब हमारे पास जो पहले चार वेक्टर था, चार डायपोल था, अब ये दो डायपोल में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से ये डायगोनलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से पी नेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 3qa का होल स्क्वायर 5qa स्क्वायर, इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा डायपोल मोमेंट का। और डायरेक्शन आप फाइंड करने के लिए टेन अल्फा इज इक्वल टू 5/3 आएगा। अब हम लोग एक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम आपको ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक प्लेन में आए, तो प्लेन में है तो कंपोनेंट से ही रिजोल्व करें, उसमें आई जे जे कर जे कंपोनेंट के टर्म में या जे के टर्म में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3D में है, जिसमें आप कंपोनेंट के टर्म में रिजोल्व करना थोड़ा सा कठिन होगा,
तो ऐसे केस में हम प्रत्येक डायपोल को आई और जे के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कहने का मतलब है कि 3D वाले प्रॉब्लम्स में, जिसमें हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करने में मुझे अगर आपको दिक्कत होती हो, तो वैसे केस में प्रत्येक डायपोल को आई और जे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फिर उसका हम समेशन कर देंगे सारे डायपोल्स के लिए, तो नेट डायपोल मोमेंट मुझे आई और जे के टर्म में, कंपोनेंट के टर्म में मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये क्यूब है जिसका साइड लेंथ ए है, इसके 7 कॉर्नर्स पे, चार ऊपर है, ये देखिए ध्यान से, ये 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है, और ये ओरिजिन पे -7 क्यू चार्ज है, और इससे इसका हमको नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो ऐसे केस में हम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक डायपोल ये माइनस क्यू का, ये प्लस क्यू के साथ एक्स एक्सिस की तरफ होगा, एक डायपोल फॉर्मेशन आप वाई एक्सिस की तरफ कर सकते हैं, ये माइनस क्यू का, ये प्लस क्यू के साथ, और एक जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है, और ये हो गया 3 एक्सिस की तरफ डायपोल बनेगा। बाकी जो है फेस डायगोनल की तरफ, फेस जो डायगोनल है, फेस डायगोनल में अब आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इस ओर, ये 3 वेक्टर जो मैंने ब्लू से एक्सप्रेस किया है, वो लोअर फेस, बैक फेस और लेफ्ट फेस डायगोनल के तरफ होगा, और इसका नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग सब सारे वेक्टर को आई और जे के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी नेट एक और होगा बॉडी डायगोनल की तरफ, ये जो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज, ये दोनों मिल करके डायपोल फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब है कि 3 जो डायपोल बनेगा वो साइड की तरफ बनेगा, 3 डायपोल ये बैक फेस, लोअर फेस, लेफ्ट फेस में बनेगा, और एक डायपोल बनेगा बॉडी डायगोनल की तरफ। अब हम सारे को हम आई और जे के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये हम लिख रहे हैं क्यू ए, एक हमारा एक्स एक्सिस की तरफ है आई कर दिया, एक वाई एक्सिस की तरफ है जे कर दिया, एक जेड एक्सिस की तरफ है तो उसमें के कर दिया। तो ये हमारा 3 डायपोल बन गया, क्यू ए आई, क्यू ए जे और क्यू ए के। फिर दूसरा जो फेस डायगोनल की तरफ है उसके लिए हम बात करते हैं, तो ये लोअर फेस में जो होगा उसके लिए हम आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू ए, लोअर फेस के लिए ये डायगोनल की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई प्लस के होगा, प्लस ये जो बैक फेस में होगा, बैक फेस की तरफ यूनिट वेक्टर, डायगोनल की तरफ यूनिट वेक्टर होगा आई प्लस जे, और लेफ्ट फेस जो है उसके डायगोनल की तरफ यूनिट वेक्टर होगा जे प्लस के। ये 3 एक्सिस की तरफ, ये आप देखिए ध्यान से, ये 3 एक्सिस की तरफ, एक ये, एक एक ये और एक ये, ये 3 एक्सिस के, ये 3 एक्सिस की तरफ हो गया, और एक ये, ये 3 फेस डायगोनल की तरफ हुआ, और एक हमारा बॉडी डायगोनल की तरफ होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगा आई जे के टर्म में,
ये क्यू ए मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन जो होगा ये डायरेक्शन होगा आई प्लस जे प्लस के। हाँ, तो आपने ये देखा कि तीन डायपोल जो साइड की तरफ था उसको हमने एक्सप्रेस किया क्यू ए, उसका यूनिट वेक्टर आई, फिर क्यू ए इंटू जे, क्यू ए इंटू के। तो ये तीन डायपोल जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है उसके लिए मैंने डायपोल मोमेंट लिख दिया वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में। फिर बाकी जो साइड ये लोअर फेस, लेफ्ट फेस और बैक फेस के डायगोनल की तरफ जो डायपोल है तीन, उसके लिए हम डायपोल मोमेंट लिख रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू इंटू डायगोनल का लेंथ रूट टू ए, और उसके तरफ यूनिट वेक्टर। तो आप ये लोअर फेस में डायगोनल की तरफ हम यूनिट वेक्टर ले सकते हैं आई प्लस के बाय रूट टू। ठीक वैसे ही ये बैक फेस के तरफ यूनिट वेक्टर ले सकते हैं आई प्लस जे बाय रूट टू, और एक तीसरा वेक्टर जो होगा लेफ्ट फेस के तरफ, लेफ्ट फेस के डायगोनल के तरफ जो होगा यूनिट वेक्टर, उसके लिए हम लिख सकते हैं जे प्लस के बाय रूट टू। तो ये हम तीन ये तीन डायपोल जो हमने लिखा है, एक लिखा है मैंने, ध्यान से देखिएगा, एक लिखा है जो ये लोअर फेस की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड इतना हो गया, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो ये हो गया एक डायपोल फॉर्मेशन किया लोअर फेस की तरफ। बैक फेस की तरफ जो ये डायपोल मोमेंट हो गया क्यू, फेस डायगोनल का वैल्यू हो गया रूट टू ए, और इसके तरफ यूनिट वेक्टर हो गया हमारा आई प्लस जे बाय रूट टू। और ये लेफ्ट फेस में जो बॉडी डायगोनल के तरफ फेस डायगोनल के तरफ जो यूनिट वेक्टर हुआ ये इस ओर, इसका वैल्यू होगा क्यू रूट टू ए इंटू जे प्लस के बाय रूट टू। तो ये रूट टू कट जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फर्दर आप सिंप्लीफाई हो सकता है। ये मैंने तीन यहाँ से और तीन यहाँ, छः टोटल डायपोल हुआ, और एक जो डायपोल होगा वो बॉडी डायगोनल की तरफ। तो इसकी मैग्नीट्यूड होगा क्यू, बॉडी डायगोनल का लेंथ होगा रूट थ्री इंटू ए, और बॉडी डायगोनल की तरफ यूनिट वेक्टर जो होगा उसकी वैल्यू होगी आई प्लस जे प्लस के बाई रूट थ्री। तो इस तरह से आप नेट डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं 3D अरेंजमेंट में। मैं यहाँ पे एक बात और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आप पेयरिंग करने के लिए स्वतंत्र हैं। डायपोल कैसे बनाएंगे, किसका किसके साथ पेयर करेंगे, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जिस चार्ज को मैंने एक बार यूज कर दिया है दोबारा पेयर बनाने में काम यूज न करेंगे। जैसे 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 मैंने एक एग्जांपल लिया है, स्क्वायर के दोनों अपोजिट कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज मैंने रखा है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज रखा है। साइड लेंथ है ए मैंने मान लिया, ठीक है, और हम पेयर जो बना रहे हैं दो डिफरेंट वेव से बना रहे हैं। एक पेयर हम बना रहे हैं ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये एक पेयर बना, एक डायपोल बना, नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्यू ए होगा। ये दूसरा जो मैंने बनाया है माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा।
तो ये शुरुआत में मैंने इन दोनों चार्ज का और इन दोनों चार्ज का पेयर बनाया है, और इस तरह से नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो जीरो हो गया। अगर हम ये पेयर इस तरह से न बना करके अगर हम इन दोनों का पेयर ही बनाते हैं, एक डाइपोल ये बनाते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, जो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, सेकेंड वे बनाया से सॉल्व किया बताया है आपको, ये माइनस क्यू चार्ज ये प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों को पेयर अगर हम बनाते हैं तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड में होगा, और ये दोनों चार्ज का, ये दोनों चार्ज जो डाइपोल फॉर्मेशन करेगा उसको राइट साइड में होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसमें भी पी नेट जीरो होगा, जीरो हो गया। कहने का मतलब है कि आप पेयर करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि एक चार्ज को जब हम पेयर बनाने में बना लिए, डाइपोल फॉर्मेशन में हम यूज कर लिए, तो उस चार्ज को दोबारा यूज नहीं करना है, और आप जैसे भी आप पेयर ये करें आपको आंसर उतना ही आने वाला है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका हम यूज हम इसके अगले डिस्कशन में करने जा रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज के बारे में। इसे मान लेते हैं किसी बॉडी पे अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, तो ऐसे केस में अगर हमको डायपोल मोमेंट फाइंड करना है तो हम लोग एक तरीका अपनाते हैं। तो अभी हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हम लोग नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक रेड है जिसका हाफ पार्ट को प्लस क्यू चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया है, और लेफ्ट पार्ट को, लेफ्ट हाफ को माइनस क्यू चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया है। टोटल लंबाई 2L है, और ये प्लस क्यू चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, ये टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, और इसका हमें नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरे रेड को हम छोटे छोटे टुकड़ा में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और एक हम एलिमेंट लेते हैं यहाँ से। इसे मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस राइट साइड में ये मैंने एलिमेंट ले लिया चार्ज का, इसकी लेंथ डी एक्स है, इस पार्ट ये रेड का पार्ट का, रेड का ये छोटा सा पार्ट है, टुकड़ा है, इसका लेंथ डी एक्स है, और एक्स डिस्टेंस पीछे बैक साइड में भी हमें मिल जाएगा ये डी एक्स लेंथ का निगेटिव चार्ज, डी एक्स लेंथ का। अब ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर डायपोल फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने इसका इसके मतलब इस ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस राइट साइड में और एक्स डिस्टेंस लेफ्ट साइड में ये जो दो चार्ज का टुकड़ा है इन दोनों से डायपोल फॉर्मेशन किया है, और इस तरह से हम बहुत सारे पेयर्स कंसीडर कर सकते हैं टोटल, और बहुत सारा डायपोल इसमें फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे ये जो मैंने डी क्यू चार्ज इस पे मैंने माना है डी क्यू चार्ज, और ये यहाँ पे माइनस डी क्यू चार्ज, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 2q होगा, तो यहाँ से दोनों के बीच का डिस्टेंस 2q होगा, और ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज मिल करके एक डायपोल फॉर्मेशन कर रहा है। इस डिफरेंशियल डायपोल मोमेंट अगर हम कह सकते हैं, मतलब ये दोनों पेयर के वजह से जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू कितना होगा, तो हमको पता है क्यू चार्ज है एल लेंथ पे, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मैंने निकाल लिया, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चार्ज मुझे डी एक्स लेंथ पे मिल गया, ठीक है, और फिर ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस x और x 2x, तो 2x से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डायपोल मोमेंट मुझे मिल गया इस पेयर का, इन दोनों पेयर का, ठीक है, और ऐसे ऐसे पेयर्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो हमें नेट डायपोल मोमेंट अगर फाइंड करना है तो जितने भी आप ध्यान से देखेंगे कि जितने पेयर्स मिलेंगे वो सबके डायरेक्शंस जो होंगे वो राइट साइड में होंगे, ठीक है। तो नेट डायपोल मोमेंट पी नेट इज इक्वल टू, सिर्फ मुझे सिंपली मैग्नीट्यूड ऐड कर देना है, डीपी कर देना है, मतलब इंटीग्रेशन क्यू बाई एल, टू क्यू बाई एल
एक्स डी एक्स इस तरह से, टू क्यू बाई एल एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का सिंबल। अब ये इंटीग्रेशन का लिमिट, अब जो लिमिट है वो मुझे एक्स पे लिमिट बिठाना पड़ेगा, और सबसे छोटा जो डायपोल बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट डायपोल मिलेगा, वो बनेगा ओरिजिन के जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट, मतलब करीब करीब डिस्टेंस जीरो होगा। और सबसे बड़ा जो डायपोल बनेगा, सबसे बड़ा जो सबसे दूर जो डिस्टेंस जिसके बीच का डिस्टेंस काफ़ी दूर होगा, वो यहाँ पे मिलेगा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा। कहने का मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट डायपोल जो होगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस होगा, मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जीरो होगा, और सबसे ज़्यादा जो जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो डायपोल फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें उसका जो एक्स की वैल्यू होगी वो एल के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो डायपोल होगा वो एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर के एक्स की वैल्यू एल तक जाएगा। तब ये जो एंड है, ये और ये दोनों के लिए एक्स की वैल्यू एल होगा, और जो ओरिजिन के बगल में जो डायपोल बन रहा है उसके लिए एक्स की वैल्यू जीरो होगा। इस तरह से अगर एक्स की वैल्यू जीरो से लेके एल तक अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो मुझे टोटल नेट डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी टू क्यू बाई एल एल स्क्वायर बाई टू। यहाँ से मिल जाएगा आपका, टू से टू कट जाएगा, ये हो गया क्यू इंटू एल, और डायरेक्शन राइट साइड में। हाँ, तो अभी मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें नेट डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आया वो आया हमारा क्यू इंटू एल, क्यू इंटू एल। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मैंने मेरा रड है, यहाँ ओरिजिन है, जो राइट साइड में प्लस क्यू चार्ज है, लेफ्ट साइड में माइनस क्यू चार्ज है, इसका सेंटर ऑफ चार्ज, ठीक है, सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ चार्ज पे टोटल चार्ज को आप रख दें, इस नेगेटिव चार्ज, ये जो लेफ्ट रेड है उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे इस नेगेटिव चार्ज को रख दें। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक एल बाई टू, और यहाँ से यहाँ एल बाई टू, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया टोटल एल। करने का मतलब है कि एक डायपोल बना P इज इक्वल टू क्यू इंटू एल के बराबर, ये पहले वाले रिजल्ट से मैच करता है। कहने का मतलब है कि अगर चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही चलेगा ये रिजल्ट, ध्यान से रखिएगा, सेंटर ऑफ मास मैंने नहीं कहा है, सेंटर ऑफ चार्ज का है, हमें बॉडी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा वैसा ही हम लोग काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई सॉलिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है, और उसके लिए नेट डायपोल मोमेंट मुझे फाइंड करना है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अगर स्फीयर है और इसके सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के हाफ पार्ट को सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और इसके लेफ्ट वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज, सॉलिड बॉडी है,
इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर ऑफ मास मैंने नहीं कहा, सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ चार्ज। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ चार्ज जो होगा हेमिस्फीयर यूज करेंगे, सॉलिड हेमिस्फीयर नहीं यूज करेंगे, हेमिस्फीयर यूज करेंगे। इसके सेंटर ऑफ मास पे ये क्यू चार्ज को रख देंगे, ये माइनस क्यू चार्ज को रख देंगे। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, रेडियस अगर आर है तो आर बाई टू होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर बाई टू होगा। नेट डायपोल मोमेंट हमारा राइट साइड में होगा और पी की जो वैल्यू होगी वो सीधा हम क्यू इंटू आर बाई टू, आर बाई टू दोनों के बीच का डिस्टेंस आर हो जाएगा, आर डायरेक्शन हमारा राइट साइड में होगा। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में हम लोग नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। इस केस में, इस केस में मैंने एक नॉन कंडक्टिंग रिंग लिया है जिसका रेडियस आर है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा नॉट, ये लेमडा नॉट साइन थीटा है, या लेमडा नॉट पॉजिटिव कांस्टेंट है। मुझे नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये साइन प्रॉपर्टी के बारे में समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा। तो आप ये देखते होंगे कि थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये यहाँ से मेजरमेंट है, ये पोजिशन वेक्टर है चार्ज का, सेंटर से, सेंटर से पोजिशन वेक्टर है। तो आप यहाँ से देखते होंगे कि जैसे 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 आप, एक मिनट, ये एंगल थीटा है। तो आप देखते होंगे कि जैसे जैसे हम ओरिजिन से, जैसे जैसे हम ओरिजिन से यहाँ से इस तरफ जाएंगे, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू घटेगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि थीटा एंगल यहाँ से ऊपर और थीटा एंगल यहाँ से नीचे अगर कंसीडर करते हैं, तो थीटा के जगह पर माइनस थीटा अगर हम पुट करते हैं तो निगेटिव आएगा लेमडा। कहने का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव लेमडा होगा, यहाँ पर निगेटिव लेमडा होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये छोटा सा टुकड़ा, मुझे पता चल गया कि यहाँ जितना चार्ज डेंसिटी है उतना ही चार्ज डेंसिटी यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पे डी क्यू चार्ज मान लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस डी क्यू चार्ज होगा, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड में सेम होगा, क्योंकि थीटा के जब माइनस थीटा पुट करने पर वैल्यू सेम रहता है मैग्नीट्यूड में। इसलिए कहने का मतलब है कि थीटा और माइनस थीटा ये दोनों एंगल पे लेमडा का वैल्यू, मैग्नीट्यूड का वैल्यू सेम होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम होगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ से डी थीटा एंगल बनाने वाला एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इस एलिमेंट का लेंथ आर डी थीटा होता है, ठीक है। इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए तो डी क्यू चार्ज हो गया। यहाँ पर भी ये इसकी लंबाई हो गया आर डी थीटा लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे आपको ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब है कि इस, ये जो डायपोल बनाएगा, इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होगा डायपोल बनेगा ऊपर की तरफ, ये हमारा डायपोल मोमेंट होगा डी पी, और डी पी का वैल्यू आप समझ सकते हैं, डी क्यू का मैग्नीट्यूड पहले बता दीजिए, आर डी थीटा, लेमडा का वैल्यू लेमडा नॉट साइन थीटा,
ये हो गया डी क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर साइन थीटा होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2R साइन थीटा। कहने का मतलब हो गया कि 2 λ0 R² sin² θ dθ। डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो इस तरह का जितना भी पेयर बनेगा सबका डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होगा जी। इस तरह से जितना भी पेयर बनाएंगे वो सबका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, मतलब सबका हमको नेट डाइपोल मोमेंट अगर फाइंड करना है तो सबका सिंपली हमको ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, नेट इज इक्वल टू, आप यहाँ से देख सकते हैं लेमडा नॉट आर स्क्वायर, अब बाहर निकाल दीजिए लेमडा नॉट आर स्क्वायर, और 2 sin² θ को आप लिख सकते हैं, 2 sin² θ इज इक्वल टू होगा 1 cos 2θ dθ। और आप लिमिट बैठाना अगर है तो आपको थीटा देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो डायपोल को देखना पड़ेगा, सबसे लोअर डायपोल मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 0 पे, उसके बाद थीटा बढ़ते जाएगा 90 डिग्री पे, उसको 90 डिग्री से और बढ़ाएंगे, ठीक है, और 90 डिग्री से बढ़ेगा तो इधर लेफ्ट साइड में डायपोल बनेगा, ठीक है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थीटा का वेरिएशन जो होगा वो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक हम कर देंगे, तो ये टोटल डायपोल हमारा कंसीडर होगा, टोटल चार्ज इसमें कंसीडर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये थीटा पर जो लिमिट बैठाना है, थीटा इज इक्वल टू 0 से π तक, तो लेमडा नॉट आर स्क्वायर थीटा माइनस cos 2θ का इंटीग्रेशन होगा sin 2θ/2 0 से π, π sin 2θ का वैल्यू यहाँ 0 होएगा, यहाँ से पुट करेंगे π का वैल्यू, माइनस 0 हो जाएगा सब जगह, तो जगह π लेमडा नॉट आर स्क्वायर। इस तरह से हम किसी भी कंटिन्यूस या नॉन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग डायपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। ध्यान सुनेंगे कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर रहेगा, यूनिफॉर्मली अगर होगा, तो वैसे केस में हम लोग सेंटर ऑफ चार्ज का हम लोग यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देख सकते हैं, इसे मान लेते हैं कि ये हॉलो हेमिस्फेयर है, ठीक है, इस पे टोटल का टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे प्लस क्यू, एक सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रखें, अब मुझे फाइंड करना है नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो कितना होगा आप बता सकते हैं? आप पे यहाँ पे ऐसे इसको तोड़ेंगे, आप एक यहाँ पे ये डी क्यू चार्ज लेंगे, एक डायपोल इस तरफ बनेगा, और ठीक है एक इधर पेयर बनाएंगे, एक डायपोल इधर बनेगा, ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से जितना भी पेयर आप कंसीडर करेंगे सबके जस्ट ऑपोजिट में एक दूसरा पेयर बनेगा, डायपोल बनेगा, ठीक है, तो आपस में दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू हम लोग 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में सिर्फ हमने डील किया है कि नेट डायपोल मोमेंट हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे
कि डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और अगर हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाल देते हैं, रखते हैं, तो उसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा इंट्रैक्शन होता है, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, उस पर टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसका मोशन कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में